हूं देवांजलि मोइत्रा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक बयान की वजह से सुर्खियों में छा गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के मुसलमानों और कुछ अल्पसंख्यक समुदायों में बेचैनी बढ़ी है। और अब हामिद अंसारी ने देश के मुस्लिम समुदाय को लेकर फिर एक बयान दे दिया है। दरअसल उनसे जब पूछा गया कि क्या देश में मुसलमानों के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ी है, तो उन्होंने कहा, मुसलमान देश में 14.5% है, लेकिन आसाम, यूपी, बंगाल और बिहार जैसे कुछ राज्यों में उनकी संख्या ज्यादा है। बेसिक चीज है कि वो देश के नागरिक है। जो हक हर नागरिक को दिया गया है उन्हें भी मिलना चाहिए, और जो कर्तव्य हर नागरिक का है वो उनका भी कर्तव्य है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम अलग है या हमको कम मिल रहा है। सबको दो रोटी दे रहे हैं तो उनको भी दो रोटी दीजिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सरकार पर लगने वाले आरोपों पर कहा, जो शिकायत का मौका आता है उसकी वजह सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चीजों में सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंचाना है। आपको बता दें, हामिद अंसारी अपने बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उपराष्ट्रपति पद का 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद विदाई समारोह को लेकर भी हामिद अंसारी सुर्खियों में थे।